हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो माधव व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक थोड़ा सा डिफरेंट जो है क्वेश्चंस है जो बेबी के मोमेंट के बारे में हो सकता है। अगर आपका बेबी भी मोमेंट करता है तो आपको पता चलता है, अगर मोमेंट थोड़ी सी भी कम होती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको कब घबराना चाहिए या फिर नहीं, ऐसा साइन क्यों होता है, किस लिए होता है ऐसा। अगर आपको फर्स्ट साइन ऐसा फील होता है तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो होप करती हूँ जितनी भी मम्मीज़ मेरे चैनल से जुड़ी हैं कि उनका बेबी सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचने वाली है। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, वाई इज़ माई बेबी नॉट मूविंग एज मच। तो आपका बेबी अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसकी मूवमेंट आपको नहीं फील हो रही है, क्यों नहीं कर रहा है बेबी, क्या हुआ है, किस लिए ऐसा मोमेंट सडनली आपको नहीं फील हो रही है, तो वो सब कुछ जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और मेरी जो हर प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है, बेबी की मोमेंट अगर कम फील होती है तो आपको क्या करना चाहिए, वो सबको डिस्कस करूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंस भी और यहाँ पर मेरी वीडियो का जो आज का आंसर है वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आंसर को। आंसर इज़ मॉनिटरिंग योर बेबीज़ मोमेंट। आपके बेबी की जो मोमेंट है वो, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो आपको थोड़ा लेट पता चलेगा, इसी को मोमेंट कहते हैं, बिकॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो जल्दी आपको पता नहीं चल पाता, आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि हाँ ऐसे ही स्टार्ट होती होगी, बिकॉज लाइफ में हर चीज़ आपको पहली बारी एक्सपीरियंस करना होता है, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा आपको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज सेकेंड में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं, यू शुड कंटिन्यू टू फील योर बेबी मूव अप टू एंड ड्यूरिंग लेबर। अगर आप लेबर प्रोसेस में हैं तो भी आपको आपके बेबी की मूवमेंट फील होती है, हाँ एज मच उतनी नहीं फील होती जितनी स्टार्टिंग के जो उसकी जो मूवमेंट की टाइमिंग है वैसी नहीं होती, बिकॉज ऑफ एंड ऑफ द 9 मंथ बेबी का वेट काफ़ी पुट ऑन हो चुका होता है, तो उस जगह पे बेबी का अच्छा खासा वेट होने के वजह से थोड़ा उसकी मूवमेंट आपको कम फील हो सकती है, और वो अपने आप को अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी जो पोजीशन है उसमें ले आया तो वहाँ फिक्स हो जाता है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं मोमेंट थोड़ी कम फील होती है, मगर हाँ फील होती है, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं, इफ़ यू नोटिस योर बेबी इज़ मूविंग लेस देन यूजुअली, अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी बेबी की मोमेंट जो है वो कम हो चुकी है, तो आर देर इज़ ए चेंज इन द पैटर्न ऑफ मोमेंट्स, यानी मोमेंट का जो पैटर्न है वो बिल्कुल भी चेंज हुआ है, आप नोटिस कर रहे हो, आपको फील हो रहा है समथिंग डिफरेंट, आपको कुछ अलग फील हो रहा है, तो वैसी सिचुएशन में इट मे बी द फर्स्ट साइन योर बेबी इज़ अनवेल। कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है, कुछ ना कुछ आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बेबी अनवेल है, ये साइन हो सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा मोमेंट नहीं फील हो रहे तो आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि बेबी अगर रेस्ट कर रहा है तो वो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर से मोमेंट करने लगेगा, आप ध्यान दिया करें, या फिर कुछ मीठा खा लीजिएगा, खाने के बाद भी बेबीज़ अक्सर मोमेंट करते हैं, कुछ मीठा खाने से थोड़ा ज़्यादा मोमेंट फील होती थी, मुझे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, मुझे थोड़ा मोमेंट कम लगती तो भाई कुछ भी थोड़ा स्वीट अच्छे से खा लूँ तो मेरी बेबी की जो मोमेंट है मुझे फिर से फील होने लगती थी, और 1-2 घंटे बाद भी नहीं फील होती है तो फिर आप कंटिन्यूसली ध्यान दिया करें, बेबी का रेस्टिंग टाइम भी होता है, तो घबराएं नहीं, डॉक्टर विजिट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करते